नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह, स्वागत है बेट द कंपटीशन पे। तो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आपके लिए आई है और लेक्चरर के सारी सीट्स आपके लिए हैं। तो पहले हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन क्या है, कहाँ से ये सीट्स आई हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्राइटेरिया क्या क्या है। अच्छी पोस्टें हैं और अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट है, तो सबसे अच्छी बात ये है। तो मैं बता दूं कि स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा से आई हैं ये सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं। और इन्होंने ये लिखा भी है कि पूरी तरीके से जो कम्प्लीटली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे, जैसे ही आप जाएंगे व्हाट्स न्यू के ऊपर, तो व्हाट्स न्यू में इन्होंने मेंशन किया है, ये जो सेकेंड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है 29/8/2023 वाला, तो उन्होंने यहाँ पर जैसे ही आप व्यू करेंगे, व्यू में जाकर के आपको एक नेक्स्ट इंटरफेस खुलता नजर आएगा, जहां पर आप एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नई एडवर्टीजमेंट को देख पाएंगे। आई होप कि स्क्रीन आपको कंप्लीटली क्लियर और विजिबल होगी। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रही हूँ। भुवनेश्वर, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, भुवनेश्वर 09, ये जो मेंशन कर रखा है इन्होंने पूरा पूरा एडवर्टीजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको स्क्रीन क्लियर होगी। तो एडवर्टीजमेंट नंबर है ये 2/2/2023, और लेक्चरर्स इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ ओडिशा। अब नॉन गवर्नमेंट का ही मतलब होता है कि भाई ये सरकार से कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन सारी जो इनकी फैसिलिटीज होती हैं, सारी के सारे जो कार्यभार होते हैं, काम करने वाली जो फैकल्टी होती है, वो पूरी तरीके से सरकारी सुविधाओं का और सरकारी तौर तरीके के नियमों पर काम करती है। जैसे कि नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूलों का नाम और कॉलेजेस का नाम आपने सुना होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। अगर आपको लगता है कि रिक्रूटमेंट यहाँ पर 1065 पोस्ट के लिए है, बहुत अच्छी पोस्ट है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। डीपी पोस्ट है यहाँ पर डेजिग्नेटेड पोस्ट के लिए। अब लेक्चरर की पोस्ट निकाली है तो हर सब्जेक्ट्स के लिए ही तकरीबन यहाँ पर आई हुई है, किसी भी सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, जो भी है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ ओडिशा। देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कॉलेज की ये एडवर्टीजमेंट है। आप जहां जहां पर भी आवश्यकता होगी 1065 पोस्टों की, वहां पर उसके अनुसार वो आपको पोस्ट करते चले जाएंगे। ओपनिंग डेट है इनकी, टाइमिंग ऑफ ऑनलाइन, तो 11/9 से खुल रही है, 1 बजे दोपहर से। ठीक है, ये जो 11 आपकी आने वाली है। और क्लोजिंग डेट है इनका 13 अक्टूबर, ठीक है, रात के 11:45 तक ये खुली रहेंगी। और ये कह रहे हैं कि डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट विल बी अवेलेबल इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्टेट सिलेक्शन बोर्ड। तो www.ssbodisha.ac.in के ऊपर जाकर के, ये जो वेबसाइट है मैंने अभी भी अभी हाल फिलहाल में जो चर्चा की आपसे, उसके ऊपर जाकर के आप ये वाली वेबसाइट, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के आप डायरेक्टली देख पाएंगे। तो ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है शॉर्ट नोटिस के ऊपर। जैसे ही 11 तारीख को इनकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगी, तो मैं आपको दोबारा से इसके बारे में चर्चा करूंगी। और तकरीबन हर एक पोस्ट पे ये लोग निकालते हैं वैकेंसी, पिछली बार भी इनकी अच्छी खासी वैकेंसीज आई थी, तो उसको आप देख पाएंगे एक बार, ठीक है। और एक चीज मैं और यहाँ पर आपको बता दूं, वैसे कि पूरी क्राइटेरिया को दोबारा ही रिफॉर्म करके निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर जो जिन्होंने पीजी में 55% मार्क्स है, यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की, वो अप्लाई कर सकते हैं। एसटीएससी में जिन बच्चों के 50% मार्क्स भी पीजी में है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया है जो पिछली बार वैकेंसीज आई थी। हालांकि 11 तारीख को जैसे ही वैकेंसीज और एडवर्टीजमेंट दोबारा से इनकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होंगी, तो मैं दोबारा से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी इसके बारे में। तब तक आप थोड़ा अलर्ट रहिए और अपने भी बिहाफ पर जो है चीजों को चेक करते रहिए। और जो बच्चे इस रीच में हैं, तो वहां पर भी जाकर के आप चीजों को जो है एक बार खुद से चेक करते रहिए, बाकी हम तो अपना काम करते ही रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। और आप ये देखिए कि 11/9 को भी इन्होंने एडमिट कार्ड निकाल रखा एग्जामिनेशन का, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम निकाल दिया और बाद में भूल गए, पेपर ही नहीं हुआ 1 साल तक, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ये लोग जरूर यहाँ पर जो है पोस्ट अगर निकाल रहे हैं, तो वहां पर पूरी तरीके से सिलेक्शन क्राइटेरिया भी फिक्स करके लोगों को रखा जा रहा है। तो आपके लिए एक अच्छी खबर भी है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे राज्यों से वैकेंसी आती है, लेकिन जस्ट फॉर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कई बार चीजें हमारे हाथ से छूट भी जाती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, और साथ में बीट द कॉम्पिटिशन टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसकी जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन की, वो मैं शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।